देखिए क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, इसने कहा कि यूज टेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी है, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उनका हमने क्या करना है, यूज करना है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्सरसाइज 2.5 की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट। इसने कहा है कि स्टेबल आइडेंटिटीज का आपने यूज करना, जो कि हमारे पास है क्या, x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10, यही है ना, x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। लिख क्या सकता हूं मैं, x प्लस a इंटू x प्लस b, x प्लस a इंटू हो क्या गया बोलो, यही हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए है मेरे पास 4 और बी कितना है 10, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 10 इंटू एक्स और इंटू में बी 4 इंटू 10, यही हो गया ना। और ज्यादा सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स और प्लस में 40 कर लोगे। सेकंड पार्ट क्या है, देखो क्या दिया इसमें, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, यही दे दिया ना, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा कि हमारे पास माइनस बी हो, क्या करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक्स प्लस 8 ये तो एज इट इज, और इसको हम लिखेंगे x प्लस में लिख देंगे माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर, बोलो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो अब a की जगह तो है 8 और b की जगह है माइनस 10, ठीक है, लगाओ यही आइडेंटिटी, a स्केयर सॉरी x स्केयर प्लस में a, a है 8 प्लस b, b है मेरे पास कितना माइनस 10, ठीक है, इनटू x प्लस ए, ए कितना है बोलो 8 और बी कितना है माइनस 10। अगर माइनस में कोई टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो, कब, जब उसको गुणा में लिखना हो। क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है 8 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 2x, यही हो गया, कहां से, शुरू से ही। देखो क्योंकि बेटा x प्लस a ये तो हमारे पास क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन x प्लस b की जगह यहां माइनस दे दिया इसने, इसमें हमने क्या किया, पहले प्लस लिख दिया और माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो b हमारा क्या हो गया माइनस 10 हो गया। बस अब ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है x स्क्वायर प्लस a, a की जगह 8 है, फिर प्लस की जगह प्लस b, b की जगह माइनस 10, फिर प्लस में ए बी, ए की जगह 8 और बी की जगह माइनस 10, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो माइनस 2 ही, बाहर x है तो x की जगह x, 8 इंटू माइनस 10 कितना हो गया, ये आंसर आ गया, कर लोगे। थर्ड पार्ट क्या कहा, थर्ड पार्ट में इसने 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो इसको भी क्या लिखेंगे बोलो, 3x प्लस 4 यही लिखेंगे ना, a की जगह कितना है, बस दो ही आएंगे बेटा, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट तो ये है ना 5 के पे लगाई है तुमने, तो a की जगह है तो x की जगह है तो अब की बार 3x, a की जगह है 4 और b की जगह है माइनस 5, ठीक है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में a 4 प्लस b इंटू x, x कितना बोलो, ठीक है, और प्लस ए बी, ए की जगह 4 और बी की जगह क्लियर, ये आ गया मेरे पास 9x स्क्वायर
फोर और प्लस माइनस में फाइव, फोर माइनस फाइव तो माइनस थ्री एक्स हो गया, बोलो yes, उसके बाद फोर माइनस फाइव ये आंसर आ जाएगा, कर लोगे ठीक yes, है। इधर से थर्ड बेंच क्या हो गया इसको, हाँ भाई देखो कुछ नहीं है बेटा, जहां पर x है वहां तो आ गया 3x, जहां पर a है वहां है 4, और क्योंकि प्लस b नहीं था लेकिन माइनस 5 था इसको हमने पहले वाले केस की तरह प्लस माइनस करके लिख दिया, बस फिर आइडेंटिटी लगाई है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर, x की वैल्यू 3x स्केयर है। यहां x में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, कई बार x लिख देते हैं लेकिन आएगा कितना 3x आएगा, ये ध्यान रखना ठीक है। उसके बाद ए की जगह ए, बी की जगह बी, ए इंटू बी कितना हो गया 4 इंटू में 5 20 प्लस माइनस माइनस होता है ठीक है। अगर चार में से मैं पांच को घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस वन, माइनस वन की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस 3x। आगे देखो फोर्थ पार्ट क्या क्या है, बोलो वाई स्केयर प्लस 3/2 और वाई स्केयर माइनस, यही हो गया ना yes, बोलो yes, इसको मैं लिख क्या सकता हूं a प्लस बी इंटू किसके इक्वल है a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a स्केयर कितना हो गया माइनस में b स्केयर, बोलो yes, यही हो गया yes, एक वाई स्केयर का स्केयर करो वाई रेज टू पावर और थ्री का स्केयर 9, टू का स्केयर कर लोगे yes, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका sir, बोलो इसमें b 3/2 है ना, हाँ तो इसमें b का तो स्क्वायर नहीं, किसका किसमें नहीं है सर, 3/2 है इसकी वैल्यू ये भी है, हाँ अरे बेटा ये आइडेंटिटी देखो ना, a प्लस बी की जगह ये टर्म है, a माइनस बी की जगह ये टर्म है कि इसके इक्वल a स्केयर माइनस b स्केयर, ये लगाओ आप a स्केयर y स्केयर का स्केयर हो गया, b स्केयर b की वैल्यू कितनी है 3/2 है तो फॉर्मूले में स्केयर, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखो भाई 3 माइनस में 2x और 3 प्लस में सेम आइडेंटिटी लगेगी, डायरेक्ट yes, लगा दूं yes, क्या हो जाएगा 3 स्केयर और माइनस में 2x का yes, यही हो गया ना yes, 3 का स्केयर कितना हो गया माइनस yes, में yes, क्या आ गया yes, कर लोगे yes, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने कहा है कि आपने एवलुएट करना है बेटा फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब एक तो हम सीधी गुणा नहीं करते हैं वो नहीं करनी, किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज करना है, देखिए भाई क्या कहा इसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में और उसका फर्स्ट पार्ट, थोड़ा आगे बैठा करो बेटा, यहां तो दिखाई देना चाहिए, इतना नीचे कहाँ है, अच्छा कोई नहीं ऊपर लिख देते हैं। देखिए क्या कहा 103 है और मल्टीप्लाई में 107, 103 गुणा 107 डायरेक्ट गुणा हमने नहीं करनी है, लेकिन लिख क्या सकते हैं हम इसको 100 प्लस 3 100 प्लस 7, वैसे तो अगर मैं बात करूं 107 की 104 प्लस 103 ये भी 107 आ रहा है, लेकिन हमने इसी में क्यों तोड़ा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ठीक है ना, प्लस 3 ले लें चलो ठीक है।
तो हमने जो है इस तरीके से ही तोड़ना है कि जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आइडेंटिटी हमारी लगेगी कौन सी, x प्लस ए होती क्या है इंटू ए बी, यही होती है ना। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 3 + 7 इंटू एक्स 100 प्लस ए बी 3 × 7। बोलो क्लियर है ना। तो 100 का स्क्वायर करें कितना हो गया 10,000 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया 10,000 और ये 21 10,000 11,000 और 21, तो कितना आ गया 11,021। ऐसे ही लिखा जाएगा। यस सर। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसने कहा है 95 × 96, ठीक है 90 प्लस लिख सकते हैं या 100 में कर लिया करो, 100 प्लस 5 ठीक है, और यहां पर 100 माइनस, ठीक है एक काम करो इसको लिखो 100 प्लस में माइनस 5 ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस 4। बोलो तो ये है मेरे पास ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, 100 स्क्वायर प्लस में ए, ए की वैल्यू माइनस 5 और बी, बी की वैल्यू माइनस 4, यही हो जाएगा ना। देखो ये करेंगे हम, कहां पर गया फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए है मेरे पास माइनस 5, बी की जगह माइनस 4, तो ए की जगह माइनस 4 प्लस में बी की जगह अगर मैं माइनस, बी की जगह माइनस 4 रखूंगा तो माइनस 5 एज इट इज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कंफ्यूज मत होना इसमें, इंटू में एक्स, एक्स कितना है प्लस ए, ए कितना है बी कितना है, क्लियर ये बात। सोल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया -9, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे सिंबल माइनस का रहेगा, तो -9 की मल्टीप्लाई करो 100 से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। बोलो -5 लेकिन इनटू में -4 है तो क्या आ जाएगा +20। तो ये हो गया बेटा मेरे पास कितना 10,900 माइनस होगा, माइनस होगा यानी कि 10,000 कितना हो गया 20 और माइनस में 900, तो 0, 2, 1 यही आ गया ना। कर लोगे? बोलो। उसके बाद देखिए इसका अगला पार्ट थर्ड, कितना कह दिया 196, क्या लिखोगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ठीक है तो a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वेरी गुड भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है नाइन्थ क्लास का। तो ए स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितना हो गया 10,000। कर लोगे सोल 4 8, यही आ गया ना, फिर कितना रह गया यहाँ पर और यहाँ पर भी, कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन भाई देखो क्या कहा है, एक्सपेंड नहीं है तो फोर्थ हो गया, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का आपने यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का नहीं, जो पहले हम कर चुके हैं वो नहीं, आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है उन्हीं का यूज करना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड और पार्ट फर्स्ट क्या है, बोलो 9x² प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। तो ध्यान दे भाई इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3x² इसका मतलब a² हो गया ये,
अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 3x इंटू में y, और इसको क्या लिख सकता हूं y स्क्वायर है ये, तो ठीक है। ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि उसने आइडेंटिटी का यूज करने के लिए कहा था, और आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है, यही होता है ना। तो a की जगह है 3x और b की जगह है y, तो ये हो गया बेटा आपका 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस y और 3x प्लस y 2 टाइम 1 पावर ये 1 पावर ये ऐड होके वापस 2 आ जाए, क्योंकि हमने फैक्टर बनानी थी कि ये आ गया और एक ये आ गया। कर लोगे? बोलो यस सर। कुछ बच्चे इतना छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसने कहा कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, मैं बात कर रहा हूं सेकंड पार्ट की, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, मैं इसको लिख सकता हूं 2y का, और यहां 2 इंटू इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का तो 1 की तो किसी के साथ गुणा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर दे तब भी 1 ही रहेगा वो। बोलो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होती है, तो a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस। कर लोगे? नेक्स्ट, क्या कहा, x स्क्वायर माइनस में, ठीक है थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम, आसान है बिल्कुल। yes, sir. क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस वाई बाय और x प्लस में, हाँ सॉरी, क्योंकि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख ले, ठीक है। अब बोलो तो अब a की जगह है x, b की जगह y बाय 10, तो कितना हो गया और x प्लस वाई बाय, कर लोगे? तो काफी आज के लिए इतना। तो एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके सभी पार्ट, सेकंड के सभी पार्ट और थर्ड के सभी पार्ट, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हो जिनको हिंदी में उदाहरण बोला जाता है, वो सारे के सारे आपने करने हैं, ठीक है। एक या दो लेक्चर में और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फिर हम इसका टेस्ट भी लेंगे, और नोटबुक जब चेक करेंगे एक दिन पहले बता भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। या आप नोटबुक अपने बैग में रखा करो, कोई फिक्स डे नहीं होता कि उसी दिन चेक करेंगे, किसी भी दिन आपकी नोटबुक चेक कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि जहाँ तक हमने करवाया है वहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।